तालाब किनारे स्थित 112 वर्ष पूर्व स्थापित नागेश्वर महादेव मंदिर जीर्ण शीर्ण होने पर तालाब मोहल्ले के साथ ही नगर के श्रद्धालुओं ने नागेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है। विधायक आशीष शर्मा, ठेकेदार राजू सिंह, विनोद यादव, दिनेश चौबे तथा राजू मोदी के सराहनीय सहयोग के साथ ही नगर के श्रद्धालुओं ने नागेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु तन मन धन से सहयोग किया और इसी का परिणाम है कि 100 वर्ष से भी अधिक पुराने नागेश्वर महादेव मंदिर को जीर्णोद्धार के माध्यम से नया स्वरूप मिला। उक्त महादेव मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आगामी 27 से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन यज्ञाचार्य पंडित आदर्श गुरु के आचार्यत्व से संपन्न होगा। साथ ही भगवान नागेश्वर महादेव तथा नंदीगण की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। दादा, आपका क्या नाम है? मैं हरि प्रसाद उपाध्याय। अच्छा, ये नागेश्वर महादेव मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नागेश्वर मंदिर जो है ये बहुत पुराना है और ये संवत 1865 में निर्माण हुआ है। उस समय ये मंदिर जो था खुला था और इसका ये जो ऊपर से जो छत बनाया है ये बना है, इसको 112 साल हो गया है ना? और इसके सिलावट का नाम है दामोदर जी मिस्त्री। उन्होंने जो है वो मतलब ये छत बनाया, पहले खुला था और ये इसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और अंतिम चरण में है। और 27 दिसंबर से 31 जनवरी तक 5 दिन का कुंड यज्ञ होने वाला है। और ये मंदिर जो है बहुत पुराना है और इसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, अंतिम समय पे है, अंतिम चरण में। क्या ये मंदिर का निर्माण कार्य जन सहयोग से हो रहा है? ये मंदिर का निर्माण जो है वो जन सहयोग से हो रहा है और इसके अध्यक्ष जो है वो स्वयं नागेश्वर भगवान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।